आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका ब्रदर भाई संजय सिंह वर्मा, जो आप हमारे साथ लॉकडाउन के समय से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं लाइव भी जो बच्चे आ रहे हैं, जो ऑफलाइन यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है। तो हमारा क्या चल रहा है, डिटरमिनेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आपने देखा होगा पीछे हमारी जो वीडियो था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मिसलिनियस का 15 क्वेश्चन तक करवा दिया था, बहुत ही सिंपल वे में, इजली मेथड, सिंपल मेथड। और मैं अपने तरफ से आपको अच्छी तरह से समझाया भी था। मैं ऐसे ही समझाता रहूँगा, अगर आप बताओगे, कमेंट दोगे, लाइक दोगे, कमेंट्स में बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो ऐसे ही मैं आपको समझाता रहूँगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें, अपने जूनियर्स सीनियर्स को शेयर भी करें, और जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कत आती है, उसे आप कमेंट जरूर करें। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि ऑल्सो गिव मी सजेशन, आप मुझे सजेशन भी दीजिए, आप मुझे सजेस्ट भी कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आता है, अगर मेथड समझ नहीं आती, कुछ वर्ड समझ नहीं आता, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ मैं, कि ये मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं सेटिस्फाई कराऊँगा, करके रहूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास समझाने का कई तरीका है, एक क्वेश्चन करने का कई मेथड हमारे पास है। तो इसलिए कमेंट जरूर करिए। और मैं बता दूं कि टेक्निकली मैं वीक हूं, क्योंकि हम लोग या मैं हमेशा ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं, कोचिंग क्लासेस हमारी चलती रही है हमेशा, ओमेगा क्लासेस इन दिल्ली आज़ादपुर मंडी, हमारी मैथ्स की जो वहां पर फैकल्टी है, तो हमने कभी लाइव क्लासेस इससे पहले लॉकडाउन से पहले नहीं करवाया था। इसलिए पूरी हमारे पास सेटअप भी अभी अरेंज नहीं है, पूरी सेटअप हमारे पास नहीं है, जो छोटी मोटी हमारे पास सेटअप्स हैं, उस सेटअप के थ्रू ही आपके पास तक मैं आपको लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ। कई बच्चे, दिल्ली के बच्चे भी हमारे पास लाइव क्लासेस में हैं, और ख़ास करके यहाँ होम टाउन में मैं अभी हूँ, तो होम टाउन में कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लासेस हैं, और यूट्यूब पर बहुत बच्चे ऑफलाइन जाकर पढ़ रहे होंगे। तो मेरे पास क्या है, जो सेटअप है, उसी के थ्रू मैं आपके पास तक ये वीडियो पहुंचाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको मिसलिनियस में, मैं 15 के आगे 16th, 18th और 19th में करवाने जा रहा हूं। जो आप आइए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिएगा, आप बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं करवाने जा रहा हूं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने बच्चे लाइव नहीं आए अभी, हालांकि कई बच्चे लाइव आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए जैसे ये क्या, संगीता, सोनिया, आजाद, राहुल, श्रीकांत, कई बच्चे ऐसे लाइव आ चुके हैं। और जो बच्चे लाइव नए आए हैं, तुरंत ही आप 20 सेकंड में लाइव आइए, मैं तुरंत ही आपका वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ। आइए बच्चे, आइए हमारे साथ आइए। चलिए देखिए, ये हमारे साथ आइए। 16 क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। हमने इसके पीछे कई क्वेश्चन ऐसा बता रखा है, बट वो फ्रैक्शन में, इसके वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं था। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन में ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है आपको, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1 सेकेंड है। थर्ड इक्वेशन आपका है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। देख रहे हैं है ना, ओके। तो आप याद करिए कि आपने 10th क्लास में
टेंथ क्लास में, और ख़ास करके हर बच्चे ने पढ़ा होगा, बट मेरे साथ जो बच्चे हमने हमारे साथ जो पढ़ चुके हैं, जो जिनको मैंने पढ़ा चुका हूँ, उनको अच्छी तरह से मैंने बताया है। और मैंने कहा कि जो नहीं पढ़े होंगे मेरे से, मुझसे नहीं पढ़े, किसी और से पढ़े होंगे, उनको भी पता होगा कि आपका टेंथ में रिड्यूसेबल मेथड था, है ना। आपको टेंथ में आपने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था इन टू वेरिएबल, तो वहाँ पर एक मेथड था, रिड्यूसेबल मेथड था जी। तो वही तरीका यहाँ पहले लगाना है कि 1/x है, 1/y है, 1/z है, तीनों इक्वेशन में है, इसको हमने लेट करना है, रिड्यूस कर देना पहले। और मैं ये भी कहूँ कि मैं तो रिड्यूस करूँगा अभी, बट रिड्यूस अगर नहीं भी करूँगा मैं, 1/x को कुछ भी PQR कुछ भी 1/y 1/z को नहीं लेट करूँगा, अगर डायरेक्ट मैं करूँगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा। बट अंतर क्या होगा कि जो x की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर XYZ, तो उसको लेना होगा 1/x, 1/y और 1/z लेना होगा, आंसर सेम आएगा, है ना। चलिए हम रिड्यूस कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप दोनों मेथड्स करिए, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, जो मैंने बताया कि आप रिड्यूस मत करिए तभी आंसर आएगा। चलिए यहाँ क्या रिड्यूस क्या करना है, 1/x को हमने लेट कर दिया क्या P, एंड 1/y को हमने क्या लेट कर दिया जी KU, ध्यान दीजिए, एंड ऐसे ही 1/z को हमने लेट कर दिया R, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये हमने R कर दिया जी, ठीक है। ये लीजिए, और ये थोड़ा सा आसान सिंपल करने के लिए ऐसा किया गया है कि ताकि आपको घबराहट, आपको कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, बस और कुछ नहीं है। हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा, 2P, हमने P लिया है तो बनेगा 2P प्लस 3 क्या KU, और प्लस क्या यहाँ क्या बनेगा 10, कितना 10R, है ना, इक्वल यहाँ ये बन रहा है, इक्वल टू कितना बन रहा है, ये R है, ध्यान दीजिएगा, और इक्वल टू 4, यहाँ क्या बनेगा 4P माइनस 6KU, है ना, अब प्लस 5, है ना, 5 क्या R इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन में जो था 6P प्लस 9KU, और ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ माइनस है, माइनस क्या है पर 20R इक्वल टू कितना है 2, है ना। ये भी आपके पास जो इक्वेशन बना है, ये तीन इक्वेशन भी बन गया। अब इस तीन इक्वेशन को मर्जी अलग से नाम दीजिए, कोई ज़रूरत भी नहीं नाम देने का, क्योंकि आपको जो अप्लाई करना है वो आपको मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है, इनवर्स निकालना होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए, हमने क्या अप्लाई करना है, ये एक्स प्लस क्या बी, है ना, ये अप्लाई करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स प्लस क्या बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सॉरी ये आप यहाँ बीच में इक्वल टू डालना है कि एक्स इक्वल टू क्या है बी, आप यहाँ हो सके तो कैपिटल एक्स लिखिए यहाँ पर, है ना, ये कैपिटल, ये एक्स इक्वल टू क्या है बी, और आप जानते हैं कि जब यहाँ आप एक्स निकालते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक्स इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स क्या बी, यही अप्लाई करना है। और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे हुआ, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने बोल रखा था कि ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ मैंने पीछे वीडियो हमने करा रखा है, पीछे सॉल्यूशन में हमने बता रखा है कि कैसे होता है, वो आप पीछे मेरे प्लेलिस्ट से जाइए और आप देखिए कि कैसे इसका प्रूफ हमने बता रखा है कि कैसे होता, क्यों होता है ये, ठीक है। चलिए फिलहाल हम यहाँ प्रूफ यहाँ पर ये पुट करेंगे, तो ये क्या था जो हमारा इक्वेशन था, क्या था भाई ये, तो ये इक्वल टू हमारे पास है 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 और माइनस कितना 20, ये लीजिए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर x निकालिए, x क्या है जी, तो ये लीजिए, अब यहाँ 1/x, 1/y, 1/z न लिख कर क्या लिखना है हमने, PQR, है ना। देखिए यही अंतर है कि जो आप लाइव आएंगे, आप जब सोल्यूशन देखेंगे हमारी वीडियो को, तो यही अंतर है कि हर बात को मैंने एक छोटी सी पॉइंट को भी मैंने क्लेरिफिकेशन दे रखा है, लेकिन जब आप किसी वीडियो में देखेंगे तो इतना क्लेरिफिकेशन हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एंड बी क्या होगा, तो जो उसका कॉन्स्टेंट पार्ट था क्या था, 4, 1 एंड 2, ये आपका बी पार्ट है, समझ गए यहाँ पर, है ना। चलिए अब हमने ये कहा ए इनवर्स निकालना होगा, क्योंकि मेथड लगाना हमने, तो ए इनवर्स चाहिए, तो इसका ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा जी, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग, आप किसी को कर दीजिए, हम आरोन कर लेते हैं, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा पता आपको, 2 यहाँ पर है, प्लस 2 आएगा यहाँ पर, है ना, तो 2, और क्या होगा, ये कट करेगा दिस मल्टीप्लाई, यानी 120 है,
120 माइनस 95 का क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए 9 5 45, ये 120 है जी, ध्यान दीजिए ये 45, ठीक है। ऐसे ही माइनस 3 आएगा, है ना, और इसमें ही आपको पता कि ये कट करेगा और ये कट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये समझ -80, कितना -80 और कितना फिर दिस माइनस कितना है, यहाँ कितना होगा -30, ध्यान दीजिए। और फिर क्या होगा आगे में, नेक्स्ट में यहाँ कितना आपका प्लस कितना 10, यहाँ कितना आएगा, दिस कट गया, दिस कट गया, है ना, दिस कट गया तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा कितना 36, और दिस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस कितना आपका कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ भी 36 प्लस हो गया, 36। आइए सोल्व करिए, क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए सोल्व करिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर तो 120 में 145 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 तो ऐसे चला गया, बात समझ रहे हैं यहाँ पर 20। आइए देखिए तो 120 माइनस 45 क्या है, 75, और 75 टू कितना होता है 150 जी, यस। और क्या होगा ध्यान दीजिए, दोनों माइनस में है और ये भी आगे माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 80 और 30 को आप प्लस करेंगे 110, है ना, समझ रहे हैं आप, यहाँ 110 होगा और 110 ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 30 है आपका तो ये कितना हो जाएगा आपका 110, और 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 330, और यहाँ तो प्लस आएगा ही, आप समझ रहे हैं 72 और यानी 720, है ना, तो टोटल कितना आ गया, आप इसको प्लस करिए ये 1200 आ गया जी, यस। आपके पास जो डिटरमिनेंट आ गया है ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हो गया है 1200 यानी 1200, है ना, डिटरमिनेंट हमारा निकल गया है। अब मैं निकालूंगा क्या, माइनस को फैक्टर से निकालूंगा मैं, तो डायरेक्ट आपको को फैक्टर से मैं दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए, चलिए आपने देखा अभी क्या देखा कि पीछे आपका आपने देखा कि डिटरमिनेंट जो आया है 1200 नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो देयरफॉर क्या होगा 10 आपका ये इनवर्स, ये जो आपका ये जो है आपका ये क्या है आपका नॉन सिंगुलर, क्या है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर क्या होगा कि इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिख दीजिए कि देयरफॉर इट्स क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट, क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये लिख दिया हमने, आपको पता है आप लिख दो अच्छी बात है ना, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना अच्छी बात है। अब चलिए लिख दिया तो अच्छी, तो आप गया को फैक्टर निकालिए, नाउ क्या होगा को फैक्टर, ध्यान दीजिए यहाँ पर a11 इक्वल टू दिस a12, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ध्यान दीजिए आपको पता है सब कुछ निकालना कैसे निकालते हो, है ना, ये ध्यान दीजिए, एंड आपका यहाँ पर a13, फिर इधर से मैं करूँगा a21, ध्यान दीजिए, एंड a22 इक्वल टू, और ये यहाँ पर 23, ध्यान दीजिए, और ये पहले लिख तो मैं ये आपका 31 इक्वल टू a32 इक्वल टू एंड a33 इक्वल टू, ध्यान दीजिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, a11 है ना, a11 आपका 75 आएगा, आप जब करेंगे आपका 75 आएगा। ये कैसे निकलता है ये मैंने पीछे बता रखा है वीडियोज में, पूरी क्लेरिफिकेशन दे रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए कैसे को फैक्टर से माइनस और एडजॉइंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा 110, ये कितना आएगा जी 72 यानी 72, ये 21 कितना आएगा 150, ये कितना आएगा जी ये 22 तो -100, है ना, ये कितना आएगा जी -100, ध्यान दीजिए ये कितना आएगा 0, ये 31 कितना आएगा 75, ये 32 कितना होगा आपका 30, ये इक्वल टू बीच में है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 0 था, ध्यान दीजिए, और ये जो 33 आएगा ये 33 कट करिए, इसको कट करिए, और यहाँ पर क्या आएगा जी माइनस में कितना माइनस में 24, समझ रहे हो, ये 24 आ गया माइनस में, तो ये आपके को फैक्टर्स क्या है फाइंड हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको ये इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इनवर्स क्या होता है आपको पता है क्या होता है, इनवर्स होता है कि 1/ डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए,
है ना, ये होता है ना। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो पता है कि ट्रांसपोज होता है जो कोफैक्टर्स हैं उसको ट्रांसपोज होता है। तो अभी कर देंगे हम, लेकिन एक्स का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था और आप जानते हैं कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई क्या बी, ये होता है ना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, पी के यू और क्या है आर, ये लीजिए ये है इक्वल टू क्या है 1/1200 क्योंकि डिटरमिनेंट था। और ये लीजिए हमने क्या लिखना है, पर ए इनवर्स की वैल्यू तो ट्रांसपोज करेंगे ये 75 है ना, ये 110 इधर नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिए राइट में कर रहा हूँ, ये 72 यहाँ आ जाएगा है ना, और ये 150 यहाँ आएगा क्योंकि रो कॉलम में कॉलम रोम होता है ट्रांसपोज होता है। और ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना, ध्यान दीजिए, और ये 75 यहाँ आ जाएगा, ये हो ना। फिर क्या होगा, ये 100 तो यहीं रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल सेम रहता है, और ये 30 यहाँ आ जाएगा ओके, और ये 0 यहाँ आ जाएंगे, और ये फिर -24 यहीं रहेगा, ये रहेगा ठीक है। और मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमारे पास जगह है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास कि ये 4 आपको दिख रहा होगा 4, 1 एंड 2, ये लीजिए ये मल्टीप्लाई में गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना, ये बी पार्ट है। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए हमारे पास, आइए सॉल्व करिए, आर वन को इस तरह से, आर टू को भी और आर थ्री को भी ऐसे, क्योंकि सी वन तो एक ही है, सिर्फ सी वन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए आप आइए 1 एंड 1200, ये 1200 है ना, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा 300 + 150 + कितना 150, समझ रहे हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से होगा ये 2 150, सेकंड में आपका 440 - 100 और प्लस कितना 60 और 288 प्लस कितना 0 है, जीरो से मल्टीप्लाई करना 0 और जिसको करना है कितना हो जाएगा माइनस कितना 48, ये लीजिए हो गया है ना। अब इसका सोल्यूशन में करना है, आइए नेक्स्ट स्टेप, चलिए हमारे साथ आइए, ध्यान दीजिए ये क्या निकलेंगे हमने पी क्यू और ये क्या है आर है ना इक्वल टू आपके पास कितना है 1/1200 यहाँ पर है ठीक है, कितना आया प्लस करके आपका ये 300 + 150 + 150 यानी कितना 600 है ना, और 440 - 100 और प्लस कितना 60 तो कितना हो जाएगा 400, समझ रहे हैं आप, और ये कितना 240 क्योंकि 288 + 0 - 48 तो आपका बचा कितना 240 है ना, 240 बच गया आपके पास, ये रहा ठीक है। और आपके पास क्या है, जब इसको अब अंदर ले जाइए, इसको अंदर कट करिए तो जी इस 1200 को जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 1/1200 को तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/ कितना होगा 5, ये लीजिए है ना। और यहाँ क्या है पी के और कितना आर है, आप समझ रहे हैं पर ये हमारे पास कितना है आर है ना, चलिए इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं यहाँ छोड़ के। तो आपको पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने बता रखा है स्टार्टिंग में, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ क्लेरिफिकेशन आपको मिलेगा, समझाया गया मैंने अच्छी तरह समझाया वहाँ पर। तो पी कितना हो गया 1/2, के कितना हो गया 1/3 एंड आर कितना हो गया जी 1/5 है ना। अब क्या करेंगे हम कि अब जो आपके पास है, जो हमने पीछे में आपको पी को हमने कैलकुलेट किया है तो 1/x पुट करिए 1/2 इक्वल टू 1/x तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x कितना आ गया 2, यस ये आपका एक आंसर आ चुका है ना। और यहाँ 1/y है कितना क्यू को, तो 1/y इक्वल टू 1/3 कितना हो जाएगा, y कितना हो गया 3, देखिए भी आंसर आ गया है। और 1/z को क्या है आर यहाँ पर, यानी 1/5 हो गया यहाँ पर, तो जेड कितना हो गया जी 5 हो गया, समझ रहे हैं पर, क्योंकि आपके पास इसको हमने लिया है तो आपके आंसर एक यहाँ आ गया है, एक आंसर यहाँ आ गया है और एक आंसर यहाँ आ गया, तो एक्स 2, y 3 एंड जेड 5 आ गया है, ये आपका सोल्यूशन फाइंड हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से ये फ्रैक्शन में जब आपका वेरिएबल्स हैं फिर भी कितने आसानी से कितनी इजीली इसका सोल्यूशन आपके साथ हम लोगों ने मिलकर किया
है ना, तो बहुत आसानी से होता है फ्रैक्शन में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं फ्रैक्शन देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, पहले जैसा ही सॉल्व हुआ। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा हमने आपने देखा कि जिस तरह से आपने टेंथ में आपने डिड्यूसिबल मेथड किया था, उस तरह से टेंथ में भी आप नहीं काम करते हो, और यहाँ भी हम ऐसे ही उसी तरह से हमने फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज पर आपका 18th क्वेश्चन करेंगे। आइए आपके साथ हम 18th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके NCERT में जो 18th और 19th है वो क्या है, MCQ है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव भी कहते हो, ऑप्शनल क्वेश्चन है ना। MCQ जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ, बट चार ऑप्शन है, आप खुद देख लेंगे। इसमें लिख के कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इफ XYZ आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। XYZ जो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें XYZ कह रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये आपका ए गिवन है ना। तो ये इसका इन्वर्स फाइंड करना है कि इसका इन्वर्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, है ना, क्या होगा। देखिए बहुत बच्चे तो आंसर इसको बहुत इजीली लगाते हैं, है ना, और बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शनल है, MCQ है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर याद कर लो कहीं से भी देख के, या तो इसका जो आंसर है पीछे बैक में उसको देख के, या कहीं देख के कर लो। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि MCQ भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बाय द वे ऐसा हुआ कि यही क्वेश्चन MCQ में आकर आपका मेन क्वेश्चन में आ गया, है ना, 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से आ गया, तब क्या करोगे आप, तब आंसर याद करने से काम चला नहीं ना। इसलिए इसी कंसेप्ट जानना चाहिए, हर MCQ का आपको सोल्यूशन जानना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए हमारे साथ हम वैसे करेंगे जैसे सब क्वेश्चन इन्वर्स हमने फाइंड किए, वही मेथड यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा कि हमारे पास ये गिवन है X 0 0 0, ध्यान दीजिए Y 0 0 0 और ये क्या है जेड है, ये रहा है ना। जब ये रहा तो इसके फाइंड करिए, देयरफॉर क्या आप डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो पता है, आप किसी को भी एक्सपेंड कर दो भाई, किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब इक्वल ही है, चलिए आराम लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पता है यहाँ एक्स होगा, है ना, और एक्स जब होगा तो एक कट हो गया C1 और R1, तो बच्चा क्या YZ, क्या बच्चा जी YZ, और माइनस कितना 0, और जब फाइंड करेंगे तो XY क्या आ गया Z। ये इस आपके पास जो आ गया है ये डिटरमिनेंट फाइंड हो चुका है। अब देख रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो रहा है, फाइंड हो चुका है XYZ, है ना। अब क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स, आइए हम को फैक्टर्स निकालेंगे। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, नाउ क्या भाई को फैक्टर्स, तो ये 1 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ए 1 2 इक्वल टू, और फिर फाइंड करेंगे 1 3 इक्वल टू, है ना, ऐसे ही ए 2 1 इक्वल टू, ए 2 2 इक्वल टू, एंड ए 2 3 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, और फिर ए 3 1 इक्वल टू, ए 3 2 इक्वल टू, और लास्ट क्या होगा, ए 3 3, क्योंकि ऑर्डर क्या इसका है 3×3 है, है ना। अब मैं इसका आंसर आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 1 1, ये 1 1 पता है आपको कि क्या होता है, -1 का पावर 1 1 मल्टीप्लाई M 1 1, है ना। तो इतना आपको पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि YZ कैसे हुआ। अगर नहीं समझ आया बात तो आप पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप समझिए को फैक्टर्स माइनस कैसे निकालते हैं, जॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर क्लेरिफिकेशन हमने दे रखा है, पूरी इंट्रोडक्शन में दे रखा है। ठीक है, 1 2 क्या होगा 0 होगा, 1 3 क्या होगा 0, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है ना, सिर्फ प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये बस यही आएगा, बाकी सब 0 आएंगे, है ना। तो 2 1 0, ये 2 2 क्या होगा, ध्यान दीजिए 2 2 XZ, है ना, ये क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, और ये हमने 0, और ये क्या होगा XY, समझ रहे हैं। तो आइए अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ए एडजॉइंट क्या होता है, इसको को फैक्टर्स को ट्रांसपोज करना है, ये R1 क्या बन जाएगा C1 बन जाएगा, है ना, R2 C2 बन जाएगा, और R3 C3 बन जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज पर हमारे साथ ये लिखिए, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ओके। तो जब एडजॉइंट ए फाइंड कर रहे हैं आपके पास तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आइए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो रहा है, YZ 0 0 0 0, यहाँ क्या होगा XZ 0 0
ऐड क्या होगा एक्स वाई, ये लीजिए है ना, आपको दिख रहा होगा थोड़ी हमारे पास आज जो पेन है स्केच पेन की हमें प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, इसलिए माफ़ करिएगा क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। इंक आपका समाप्त हो चुकी है, आप पता है आपको लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पेन भी नहीं मिल रहा है, अभी भी पेन पेंसिल कोई बुक की दुकान अभी अलाउ नहीं है ठीक खोलने का अभी, जबकि आज कितना हो गया 26 मई हो चुका है, फिर भी अभी हर मार्केट में ऐसा ओपन नहीं हुआ है सभी शॉप्स, ठीक है। तो आइए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने एडजॉइंट ए फाइंड कर दिया, अब क्या करना हमने ये इनवर्स, ध्यान दीजिए, तो 1 बाई क्या होता है डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ध्यान दीजिए ये है, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है इसी वजह से हमारे पास कुछ सेटअप नहीं है, हमारे पास जो हमारे पास सेटअप है वही उस सेटअप के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए हमारी वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ें हमारी वीडियो से। डिटरमिनेंट हमारा एक्स वाई जेड था, ध्यान दीजिए क्या हो जाए यहाँ पर, है ना, वाई जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स जेड जीरो 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 एंड क्या एक्स वाई, है ना, समझ नहीं पर यहाँ तो लगे इसको है ना। अब इसको अंदर ले जाइए, देखिए आपका आंसर ऐसे आ चुका होगा, जैसे ही 1 बाई एक्स वाई जेड को सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई एक्स बचेगा, कितना बचेगा जी यहाँ पर 1 बाई एक्स, है ना, ये जीरो जीरो तो रहेगा यहाँ जीरो, और ये क्या बचेगा है ना, एक्स भी कटेगा जेड भी कटेगा तो 1 बाई कितना वाई, यहाँ जीरो 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 और यहाँ क्या एक्स वाई कट जाएगा क्या बचेगा 1 बाई जेड, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हुआ है ना, समझ रहे। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स को क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स इनवर्स जीरो 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 वाई इनवर्स एंड जीरो 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 और क्या जेड इनवर्स, ये लिखोगे ना, ये ध्यान दीजिए। तो ये हमारा फाइंड हो चुका है, क्या फाइंड हो चुका है भाई, तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो चुका है, और आपका जो ऑप्शन में आंसर है वो कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर एक क्या है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो ये देखिए देखिए फ्रेंड्स या जो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो देखिए कैसे सॉल्व हुआ ये आंसर, ये ऑप्शन सही है कैसे हुआ, तो आपके सामने मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं फिर से, आप इस कैमरे में देखिए, आपका कैमरा यहाँ तक लाया गया है, ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाया जा रहा है, देखिए आप देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ना, आपके सामने मैंने ये सॉल्व किया है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, और कुछ पेन से मैंने लिखा है, ध्यान दीजिए ये देखिए, और यहाँ तक मैंने ये सॉल्व करके आपके सामने अभी मैंने कैसे लाया वो ध्यान दीजिए। आइए हम आपके सामने 18th आपका हो गया है, अब 19th करेंगे, 19th भी ऑप्शन है वो आइए। चलिए देखिए हमारे पास जो 19th क्वेश्चन हैं वो क्या है वो आप ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट आंसर, ये गिवन है 1 sin θ 1 माइनस साइन थीटा 1 sin θ माइनस 1 sin θ 1, ये आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेयर 0 < θ < 2π, कि ये जो आपका गिवन है ये आपका थीटा आपका जीरो है और जीरो से बड़ा हो सकता है बट 2π भी हो सकता है और 2π से छोटा होगा, है ना, ध्यान समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है, तो हम देखिए जो हमारे पास सोल्यूशन जो हमारा है ये गिवन है, क्या गिवन भाई, 1 sin θ 1 माइनस साइन थीटा है ना 1 and sin θ माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 है ना, ये चीज़ दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब कोई भी आप किसी तरह से एक्सपेंड कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी रो या कॉलम को लेकर दिए, तो हम चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, आपको हमने लिख दिया एक्सपेंडिंग अलाउंग है ना अलाउंग R1 कर देते हैं हम, तो क्या होगा देयरफॉर हमारे पास जो डिटरमिनेंट ए फाइंड होगा वो क्या फाइंड होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिटरमिनेंट जो ए फाइंड होगा पता है कि 1 है ये है ना, तो ये 1 आएगा और एक कट होगा तो 1 क्या होगा, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ध्यान समझिए, और ये माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा sin²θ, फिर यहाँ माइनस sin θ, समझ लो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, प्लस ये प्लस माइनस प्लस, ओके। अब क्यों होता है ऐसा सिंबल,
प्लस माइनस हमने जो बोला कि प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स जो हमने करा रखा है उसमें जाइए प्लेलिस्ट से और वहाँ पर क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक कट होगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए, तो माइनस साइन है ना, और फिर ये प्लस साइन। ओके, तो क्या आएगा, मैं इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसके बदले में मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन, ध्यान दीजिए, माइनस साइन थीटा माइनस में और प्लस क्या साइन थीटा, समझ रहे हैं पर, ये आपका हो गया है ना, ये आपका ये क्लोज हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस वन क्या हुआ, कट गया, कट गया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यानी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस माइनस है साइन स्क्वायर और ये प्लस हो गया, कितना होगा प्लस वन, आप समझ रहे, ये बस ये सोल्व करेंगे और सोल्व करते हैं हमारा डिटरमिनेंट। सोल्व कैसे करेंगे आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पर चलना है, तो वन प्लस साइन स्क्वायर हमने ओपन कर देना है और जैसे मैं ये करूँगा ये आपका हो गया कट, तो कट होती है बन जाएगी जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या हो गया जीरो, तो बचा वन प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ बचा वन प्लस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा ध्यान दीजिए है ना, थीटा है यहाँ पर सब सारे थीटा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वन वन टू। आइए हमारे नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए अब हमारे पास डिटरमिनेंट ये जो हो गया है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आपको कि वन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे हुआ मैंने अभी पीछे बताया आपको, तो टू प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आया अभी, समझ रहे हैं यहाँ पर है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से टू कॉमन आ सकता है आराम से, तो क्या होगा वन प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा है ना। नाउ आपको दिख रहा होगा, मैं पेन से लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एंगल है हमारे पास वो गिवन है जीरो लेस देन जो थीटा है, ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है टू पाई के, टू पाई से पहले है, ये आपका गिवन है ना। चलिए तो आपको पता है साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन की वैल्यू माइनस वन से आपका कहाँ तक है, माइनस वन से प्लस वन तक आपका बिलोंग करता है ना, ये होता है ना कि माइनस वन से वन तक होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब जब हम जीरो हमें कह रहा है, जीरो हम जब साइन थीटा में पुट करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर जीरो आएगा है ना, जीरो, ओके, और साइन थीटा तो आप लिखोगे यहाँ पर, और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वन रहेगा, क्योंकि टू पाई की वैल्यू क्या होता है, जब टू पाई अप करेंगे आप वैल्यू साइन का तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि साइन थीटा जो पाई की वैल्यू होती है वो कितना होता है वन होता है, और जैसे आप यहाँ पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू आपका पुट करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना, तो ये फिलहाल साइन ये वन है, ये देखिए यहाँ पर ये रखना है है ना। चलिए ये मेनली तो आपको यहाँ से हमने लिया है, ये मेनली यहाँ से आया है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या दोनों तरफ ये वन है तो वन प्लस करिए, तो जीरो प्लस वन, वन लेना हमने है ना, वो जीरो प्लस वन, और इससे पहले इसको हम साइन स्क्वायर भी कर लेते, चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए यहाँ पर, यहाँ हमने प्लस कर दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिए वन प्लस कितना साइन स्क्वायर, हमने पहले देखो पहले एक स्टेप जाता कि हमने स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ तो वन आता है ना, यहाँ वन आता है, यहाँ जीरो आता है, यहाँ साइन स्क्वायर आता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ भी आप करोगे वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ वन आया है और ये वन प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, ध्यान दीजिए इक्वल टू नहीं लेस देन इक्वल टू चलता रहेगा, लेस देन इक्वल टू चलता रहेगा, ध्यान दीजिए भाई साहब लेस देन इक्वल टू चलता रहेगा, ये कितना हो गया टू हो गया है ना। अब हमारे पास कितना है, ये आ गया, अब टू आई हमारे पास, टू मल्टीप्लाई करना है, तो बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड हमने पहले वन प्लस किया इतना लाना था ना, पहले हमने देखो साइन था फिर साइन स्क्वायर किया फिर वन प्लस किया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अब क्या करना है टू से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो टू मल्टीप्लाई वन, टू मल्टीप्लाई क्या हो गया वन, और लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा दिस वन प्लस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया फोर, तो आपने देखा इसको हमने इसी के तो वैल्यू निकालना था, तो ये वैल्यू क्या होगा टू, टू भी इंक्लूड है और टू से बड़ा भी है, अब फोर भी इंक्लूड है और फोर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि टू और फोर भी इंक्लूड है, तो आपने देखा होगा। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार देखिए हमारे पास इस वीडियो में देखिए एक बार कि जो हमारे पास ऑप्शन दिया था यहाँ पर, ध्यान दीजिए ये क्या ऑप्शन था कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, बी कह रहा है डिटरमिनेंट ए क्या कह रहा था बिलोंग टू टू और इन्फिनिटी, यानी ये जो दोनों ब्रैकेट है इसे कहते हैं क्या, आप जानते होंगे कि इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन ब्रैकेट है यानी टू और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, और सी में क्या था यहाँ पर, सी देखिए यहाँ पर सी में था डिटरमिनेंट ए बिलोंग टू टू फोर, यहाँ भी क्या ओपन ब्रैकेट है ना, और यहाँ क्या था सेम वही है बट यहाँ क्या है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि टू
एंड फोर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, कि टू फोर भी इंक्लूड है और टू और फोर के बीच का वैल्यू इसमें है। तो हमारा आंसर यही तो आया अभी। आइए इस पेज पर आइए, ये है ना हमारे पास जो आंसर आया है, ये आंसर आया है कि देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू है ना, ये टू आपका है लेस देन इक्वल टू, ये आपका जो फंक्शन आपको आया था वो है ना, और ये लेस देन इक्वल टू क्या फोर, यानी टू और फोर इंक्लूड है और इसके बीच का पॉइंट भी इंक्लूड है ना। तो हमारा ये जो आंसर अभी आया है, ये हमारे पास आंसर आ गया कि जो देयर फोर जो डिटरमिनेंट आया है, ध्यान दीजिए डिटरमिनेंट जो आया है आपका ए है ना, वो क्या बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोज ब्रैकेट सिंबल है ये, और ये ए लीजिए ए है ना। तो यही तो हमें आंसर लाना था है ना, हमारे पास आंसर आ चुका है। और आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी, आपके बुक का जो ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन जो था डी, वो डी हमारा क्या है आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से 90s को हमने सॉल्व किया है। हाँ, इसमें हमने क्यों बताया, देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए क्या बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से, बहुत बच्चे मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि इतनी हमने करीबन 20-25 साल तक हमें हमारे लाइफ पढ़ाते हुए हो गया, हमने यही देखा कि बहुत मैक्सिमम बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से वो कटते हैं और घबराते हैं, वो है ना उनको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था, इसलिए मैंने आपको दिखाया, समझ रहे हैं पर। तो आइए चलिए, तो देखिए आप लोगों ने हमारे जितने फ्रेंड्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत बच्चे लाइव आ गए थे, करीबन ये इसमें 60 बच्चे लाइव थे, आज हमने अभी जो 90s क्वेश्चन में लास्ट बताया आपको, ऑप्शन करके बताया कैसे सॉल्व होता है, इसलिए ऑप्शन पर। तो ये 90s क्वेश्चन हमने आपके सामने अभी हमने करवाया, MCQ था, आपको मैंने समझाया करवाया कैसे होता है, समझा दिया हमने, करवा दिया। और अब मैंने आपका NCERT डिटरमिनेंट मैं फिनिश कर दिया हूँ आपके सामने, मिसलेनियस तक फिनिश हो गया है। और मैं बीच में बहुत सारे मैंने, जबकि आपने देखा होगा पीछे अगर प्ले लिस्ट में, तो मैंने इन्वर्स का, एलिमेंट्री ऑपरेशन का कई मैंने, या जो आपका डिटरमिनेंट प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है, तो उसका मैंने ट्रिक्स यानी शॉर्ट मेथड लाया है, मैंने शॉर्ट मेथड का वीडियो बना रखा है मैंने, जिसको विद इन 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो, जो एंट्रेंस वगैरह में, JEE वगैरह में या कम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, वो मैंने दे रखा है। तो आगे भी मैं ऐसे ही देता रहूँगा, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, इसके असाइनमेंट अपलोड करूँगा डिटरमिनेंट्स का, और भी जो अदर बुक्स के मैं क्वेश्चंस में बोर्ड के लिए जो सेलेक्ट करूँगा उसको मैं अपलोड करूँगा। बट मैंने अभी कंसेप्ट NCERT मैंने फिनिश कर दिया हूँ मैं, और मैं नेक्स्ट चैप्टर अब मैं कराऊँगा, ये हमारा चैप्टर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट आप लोगों के साथ फिनिश हो चुका है। और मैं आगे अब मैं जो कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको वीडियो पढ़ने को। इसलिए आप सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आप मेरी वीडियो को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और ऐसे ही लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपको लॉकडाउन में भी हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको सॉल्व करूँगा। आप कमेंट करके तो देखिए, आप बताइए तो सही कि क्या आपको नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करूंगा। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी फ्रेंड्स को हताश होने की जरूरत नहीं है, स्कूल खुले या ना खुले नो प्रॉब्लम, मैं पूरी बोर्ड की तैयारी आपको कराऊंगा। बट मेरे साथ सारी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जूनियर सीनियर्स को भी शेयर करें। मैं आपको प्री बोर्ड का तैयारी कराऊंगा और एंट्रेंस के भी तैयारी प्रिपरेशन कराऊंगा, और सिर्फ 12th का नहीं, मैं 10th का भी कराऊंगा, आपको 9th का भी करवाऊंगा और 11th को भी करवाऊंगा। आप हमारे साथ वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। आइए, शुभ रात्रि, जय हिंद।